हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फ्रेंड्स स्टूडियो में आपकी नई भर्ती के बारे में दोस्तों बात करेंगे जो आपके अभी हाल ही में आई हुई है। आपकी एज लिमिट क्या रह सकती है फ्रेंड्स, आपकी कौन सी वैकेंसी, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आना है, ठीक है, या फिलअप करना है आपको सरकारी एग्जाम .com, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये साइट ओपन कर लेनी है, तो मैं साइट पे क्लिक कर लेता हूँ गूगल सर्च पे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सरकारी एग्जाम .com, आपको ये साइट ओपन कर लेनी, तो साइट ओपन कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स नीचे आइए, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखिए दोस्तों डिप्लोमा ITI इसरो वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020, तो मैं यहाँ पे इसरो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसरो वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2020 है दोस्तों, जब आपकी वैकेंसीज आई हुई है इसरो डिपार्टमेंट में आई हुई है, ठीक है। पोस्ट नेम अभी यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट की वैकेंसी आपकी, इंजीनियर की है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आपकी, टेक्नीशियन की, ड्राफ्ट्समैन की है, ओके। और खास बात इसमें फ्रेंड्स ये आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस मांगी नहीं गई है, चाहे आप जनरल से OBC हो, OBC से हो, SC से, ST से हो, आपकी इसमें कोई एप्लीकेशन फीस मांगी नहीं गई है। आप इस फॉर्म को फ्री में फिलअप कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी फीस पे किए, ओके। अगर आपकी मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो 13 अप्रैल से फॉर्म दोस्तों फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट आपकी 1 मई है। 13 अप्रैल से 1 मई तक इस फॉर्म का फिलअप आराम से कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की आपकी 1 मई दी गई है। एडमिट कार्ड की अभी कोई डेट नहीं आई है इसमें, ना एग्जाम डेट की कोई डेट है यहाँ पे, ओके। अगर मैं बात करूँ आपकी जॉब लोकेशन के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑल ओवर इंडिया जॉब है आपकी ये। अगर आपकी एज लिमिट के बारे में बात करूँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट वन के लिए आपकी नो एज लिमिट, जबकि पोस्ट वन है दोस्तों इसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। पोस्ट टू और एट के लिए 18 से 35 आपकी एज होनी चाहिए। पोस्ट 9 और 21 के लिए आपकी 18 से 35 ईयर की एज होनी चाहिए। और SC ST को अलग से छूट दी गई है, आपको पता ही होगा, वो तो उनको अलग से मिलती है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 55 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें। इसमें मैंने आपको बता दिया पोस्ट नेम आपके साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, तो आप वैकेंसीज देख लीजिएगा पोस्ट के नाम, ओके। आपको जो कौन सी पोस्ट पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर की आपकी 21 वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी 6 पोस्ट हैं, और टेक्नीशियन की आपकी 25 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन की 3 पोस्ट हैं आपकी इसमें, ठीक है। पे स्केल आपका बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप इस जॉब में लग जाते हो तो अपना लग समझिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब है ये, ठीक है, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आपकी मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आपके पास होनी चाहिए BTech इंजीनियर डिग्री, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास इंजीनियर डिग्री मांगी गई है इसमें, आपके पास इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, एनी ब्रांच आपने किसी ब्रांच से कर रखी हो आपके पास टेक्निकल मतलब इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10वीं और ITI+ होनी चाहिए, आपके पास 10th पास और ITI दोनों होने चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए भी आपके पास 10th+ ITI होनी अनिवार्य है इसमें, ध्यान दीजिएगा 10th+ ITI, ओके। और फ्रेंड्स नीचे आइए, तो फ्रेंड्स आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो अपना। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स थोड़ा साइट स्लो है इसलिए ओपन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, आप इस साइट पे आके दोस्तों आराम से फॉर्म ये फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको पूछना हो मुझे कॉमेंट आराम से कर सकते हो, बेझिझक मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स। ये चैनल आपका भाई, आपको आराम से कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं लेनी है इस जॉब के बारे में, कुछ भी आपको पूछना हो या फिर किसी भी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको जानकारी लेनी हो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनानी हो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आपको दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अपना बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था।